तो गाइज इसको देखो, ये पता नहीं किसके लिए फास्ट रखा है इसने, और ये जा रही है अपना चांद देखने, बट आई थिंक चांद अभी आया नहीं है। सो यहाँ पे चल रही है, मुंह दिखाई। सो यहाँ पे सबके फोटोशूट चल रहे हैं इस बार। तो सब लोग, पता नहीं, लोग काफी गायब हैं। और ये अपने पापा से बात कर रही है। क्या क्या? आज मैं स्विग्स खाऊंगी, कल मैं डोमिनोज का पिज्जा खाऊंगी। और देखो, तो ये हाल है देखो इसका। ये देखो गाइस, देख रहे हो, ये हाल है इसका। हाँ, नहीं तो गुड मैन का भाई, तू सब्जी बना दे, थोड़ा दूसरे के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है। तो अभी तो इसका मसाला हो रहा है, फिर ठंडा होने का पीसेंगे। इधर हमारी खीर बन रही है, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं क्योंकि सब नाटक करते हैं और मैं तो सबसे ज़्यादा नाटक कर रही हूँ फिलहाल इस बार। तो ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बस। तो हमारी मिठाई आ गई है, देखती हूँ। ज़्यादा नहीं मंगाई, थोड़ी थोड़ी दो मिठाइयाँ मंगाई हैं, देखते हैं क्या आया है। मैंने पहली बार यहाँ पे कुछ ऑर्डर किया है। बस पॉपट ना हो जाए, वैसे तो बीकानेर से है तो होना नहीं चाहिए। ए बंद कर गाइस, ये है कलाकंद और इसमें है अरे यार, बड़ा ही खासे टाइम लग जा रहा है। यस, हाँ, ये मिठाई। सो ये वाली मिठाई ना मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है, इसकी फेवरेट है ये। मुझे भी अच्छी लगती है पर थोड़ी थोड़ी मंगाई है मैंने। सो भाई, हमारी भतीजी बना रही है यहाँ पे सब्जी। भाई तू, तेरे आने से पता है मुझे बहुत हेल्प हो गई है सच्ची में, नहीं तो मेरी और बैंड बज जाती सच में। मेरा लास्ट टाइम यही था, यहाँ से वहाँ भाग रही हूँ, वहाँ से यहाँ भाग रही, ये कर रही हूँ, वो कर रही, यही हो रहा था। आज थोड़ा 10-10 मिनट रेस्ट मिल जा रहा है बीच बीच में। हाँ, अकेले पड़ गई ना, कौन आया कौन आया। अच्छा, कपड़े, सॉरी, कितना जीपे है गाइस? पहले पेमेंट कर देते हैं। हाँ, सो अभी इधर बन रही है सब्जी, जो कि बन रही है मटर पनीर। बाकी सब तैयारी है मैंने कर दी, थैंक गॉड मैंने दोपहर को तैयारी कर दी थी, पता है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है। तो ये मैडम ने, पता है, पहले यूट्यूब से देखा है, इसको खाना बनाना नहीं आता है। आता है, भूल जाओ। अब भाई, पढ़े लिखे लोगों को कहाँ खाना बनाना आता है ये बताओ, नहीं आता ना, बुक किताबों से कहाँ फुर्सत मिलती है। सो इधर बस देखते हैं, मैं पहली बार खाऊंगी जब तेरे हाथ की सब्जी, पता है, पहली बार मैगी खाई है मेरे हाथ। मैगी तो तेरे हाथ से पता नहीं कितनी बार खा ली है, बट सब्जी पहली बार। ये पढ़े लोगों के लिए जानी है, मैगी बना। सही बात है। तो गाइस इसको देखो, ये पता नहीं किसके लिए फास्ट रखा है इसने, और ये जा रही है अपना चांद देखने, बट आई थिंक चांद अभी आया नहीं है। आ जा बहन, आ जा। देखो ऐसी करवा चौथ वाली ना, मतलब हर कोई डिजर्व करता है ऐसा फास्ट, चप्पल, कार्गो और टी शर्ट में, है ना? पहली बार देख रहे होंगे ऐसी करवा चौथ वाली बंदी। हाँ, इवन लिपस्टिक और बिंदी वगैरह भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल। अबे वैसा करना क्या, ये लो जिसकी थाली है वो लोग आ गए। सो गाइस, दिस वाज द प्रैंक। सो ये रहे हमारे रियल कपल। हमारे चंदा मामा निकल आए हैं, ये देखो वो रहे हैं, और बाकी सब लोगों की पूजा चल रही है इधर। सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर साइड कर रहे हैं। अभी हम थोड़े से लेट हो गए। आज तो मेरा
पति मेरा राजा शांति मिली मम्मी शांति मिली थोड़ी सी नहीं पानी और पीने का मन पानी मिल गया। घर पे जाके तुम्हारे लिए पूरे बॉटल ला के रख दूंगी, जितना पीना हो ना पी लेना। सच में यार मतलब बहुत मुश्किल होता है ना यार सुबह, मतलब सुबह से लेके रात तक, मतलब वो भी जैसे बहुत जगह तो सरगी बोलते है ना, सरगी लोग खाते बट हमारे यहाँ पे नहीं खाते है, पता नहीं मतलब खाते ही नहीं है या हमारे यहाँ खाया नहीं भगवान जाने जो भी था। तो एक दिन पहले से ही नहीं खाते कुछ भी, तो अब बहुत मुश्किल होता है यार जॉब पे, मतलब इतना घंटे बिना पानी खाए बिना इंसान रह लेता है लेकिन बिना पानी के ना बाबू। छठ तो और मुश्किल होता है, 36 घंटे का होता है डेढ़। अभी भी यहाँ पे सब चल रहा है सबका। इस बार ना मतलब लास्ट टाइम कुछ अलग ही मजा आया था, इस बार थोड़ा कम मजा आया है बिकॉज इस बार ना लोगों ने अलग अलग कोने पकड़ लिए हैं। हाँ लास्ट टाइम सबने वहीं पे किया था और वहीं पे एक जगह सबने कहानी पढ़ी थी, सबने रेड रेड कपड़े पहने हुए थे, बहुत मजा आया था लास्ट टाइम। इस बार सब भटक गए। देखो गाइस बेटी का क्या सुख होता है, ये होती हैं बेटियाँ। सुबह से मैंने कोई भी काम नहीं करा, आई हूँ उस दिन से मैंने सुबह से कोई भी काम नहीं करा, सारा काम करा है। इधर पूरी फ्राई हो रही है, खीर बनाई है, पूरी अच्छी फूल रही थी जैसे तुम ब्लॉग बनाने लगे, नजर लग गई मम्मी की। नहीं मतलब वो एक मतलब फट गई। चौधरी साहब बना रहे हैं रायता। कोई तो है जो बूंदी का रायता देख के सबके लिए बढ़िया करवा चौथ होनी चाहिए, सब खुश रहने चाहिए, छोटे वाले बड़े वाले सबको। यहाँ पे खाना रेडी हो गया है जो कि है तनु के हाथ की मटर पनीर पूड़ी कचौड़ी रायता, पापा के हाथ का रायता। और देखो ये भैया आज तो पता है जो जैसे दुल्हन नहीं होती है दुल्हन का सिंदूर यहाँ तक होता है, नहीं नहीं दुल्हन का भाई का फोन है शायद। पापा तुम क्या कर रहे हो, तुमको ना बहुत गंदी आदत होगी किचन में लगने की, आओ जल्दी से। क्या?
गाइस खाना पीना सब कुछ हो गया है और अभी 12:30 बज गए हैं। इतने सारे बर्तन, मुझे नहीं पता खाना बनाने में इतना आलस नहीं आता जितना बर्तन धोने में आता है। और फेस्टिवल के दिन तो बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं, जबकि सारे मतलब साथ ही साथ वॉश करते जाते थे तब भी। सो बहुत ज़्यादा थक गई सच में। सुबह मतलब 9 बजे के उठे उठे कंटिन्यू भागम भाग भागम भाग भागम भाग बस वही चल रहा था। सो बस अभी फाइनली हो गए हैं फ्री। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बस देखते हैं अभी कल का क्या सीन है, क्या होता है। और आज का मेरा वर्कआउट भी छूट गया। मैं मतलब मैंने सोचा हुआ कि एक भी दिन का नहीं स्किप करूँगी, लेकिन ना वही हो जाता है ना, दिवाली के दिन भी छूटेगा क्योंकि उस दिन भी नहीं टाइम मिलेगा। और क्योंकि काम ही इतने सारे हो जाते हैं ना और सब करने ही पड़ते हैं, छोड़ भी नहीं सकते, तो इसीलिए ना टाइम नहीं मिल पाता। या तो सुबह सुबह उठ के 5 बजे घर के आ जाओ तो वो बेस्ट होगा, दिवाली के दिन वही करूँगी सही रहेगा। पर आज ना मुझे मतलब खुद को ऐसा फील हो रहा है कि यार क्या छूट गया, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है। सो आज बस वही है। और हमारा तो बस इसी तरह रहा करवा चौथ। और आप लोगों का कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बस फिलहाल यही, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।